सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पत्नी को काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और अभिमान को छोड़ देना चाहिए। क्यों चर्चा हो रही है, इसकी भी चर्चा करेंगे। पत्नी को काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और अभिमान को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि उसको जो आगे अपने परिवार का निर्माण करना है, जो उसके बच्चे हैं, उसकी संतति है, उसका जो निर्माण करना है, वो बहुत बहुत आवश्यक है। तो कहा उद्यता नित्यम, अर्थात उसे निरंतर सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए अपने परिवार की। अब आप कहेंगे क्या पत्नी का ही ठेका है जो सेवा करेगी? हाँ, कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं, आजकल तो लोकतंत्र है, खूब बोलो, जिसके मन में आए उतना बोलो। नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि क्या उन्होंने ही ठेका ले रखा है, मैं कहूंगा नहीं, ठेके वाली बात नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता। बात यह है, उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता, उनसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पास भगवान की दी हुई एक सबसे बड़ी चीज है, उसको ममता बोलते हैं, वो सिर्फ उन्हीं के पास है और उस ममता का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई ऑप्शन नहीं बना, उसका कोई और वैसी चीज बनी नहीं है आज तक। उसके पास सहनशीलता है, वैसी सहनशीलता आज तक किसी पुरुष में नहीं देखी जा सकती, इतना ही मान के चलना। तो जिसके पास प्रेम है, सहनशीलता है, वही एक अच्छे निर्माण को बना सकता है, कर सकता है, वही कर सकता है, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर वो करने की स्थिति है, आप अपने बच्चों को एक महान दिव्य दर्शन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये छह चरणों की कामना, जो कामना कर रहे हैं श्री मैत्री जी, कह रहे हैं विदुर जी, ऐसा हो जाए। क्या हो जाए? कि पत्नी को काम, दम्भ, द्वेष, लोभ, पाप, अभिमान छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अलावा उसके बच्चों को डिजाइन कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए छोड़ देना चाहिए। और अगर उसने ऐसा कर लिया तो वह अपने बच्चों को भी ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है, बना सकती है, उसी के हाथ में है, बनाने वाली वो ही है, कोई और नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। और ये जब तक न समझा जाएगा तब तक जीवन नहीं है।